Hello friends, namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Pradeep Jain. He has a wide experience of gastrointestinal onco surgery. Presently, he is a leading the director of department of laparoscopic GI HPB and minimal access surgery in Fortis Hospital. So let's welcome him. So Dr. Pradeep, welcome to our show. Namaskar. Namaskar. Uh, before moving forward. एक चीज है जो हम सभी जानते हैं कैंसर आजकल कितनी तेजी से फैल रहा है एंड हम या तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकें कि डायग्नोस बहुत जल्दी हो रहा है तो हमें लग रहा है कि बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें टाइमली इसके बारे में पता लग जाता है तो हम टाइमली इससे ओवरकम भी कर सकते हैं एंड कंप्लीटली हम इसे ठीक भी हो सकते हैं सो so, हम कैंसर के बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करते हैं बट अगर हम इंटरनली बॉडी पार्ट्स पे आए तो हम वो करना भूल जाते हैं या हम आम पब्लिक के बिहाफ पे बात करें तो सब ये कहते हैं ब्लड का कैंसर है यू नो लंग्स का कैंसर है ट्यूमर्स हो रहे हैं उसकी वजह से कैंसर हो रहे हैं बट बॉडी के अंदर भी कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं अगर मैं बात करूँ गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर की तो सबसे पहले जानना चाहूँगी वॉट इज इट देखिए सबसे पहले तो मैं आपका एक जो सबसे पहले क्वेश्चन आपने किया कि कैंसर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं बहुत तेज़ी से पता चल रहा है इसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि नंबर बढ़ रहा है हमारा दूसरा होता है कि हमारे जो आजकल इतनी अच्छी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि पेशेंट्स स्पेशलिस्ट के पास जल्दी चले जाते हैं और जल्दी ही उनका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और जल्दी पकड़ाई में आ जाते हैं तो इस वजह से भी ऐसा लगता है कि जैसे कैंसर्स का नंबर बहुत बढ़ रहा है डेफिनेटली बढ़ भी रहा है और डायग्नोज भी अर्ली हो रहे हैं फिर आपने जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में पूछा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स होते हैं हमारे गैस्ट्रो इंटस्टाइल ट्रैक में जो राइज होते हैं गैस्ट्रो इंटस्लनल ट्रैक जो है हमारा ये बना होता है उस सिस्टम से जिसमें हमारा फूड जाता है डाइजेशन होकर ब्लड में हो जाता है तो इसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो हैं हमारे फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं स्टमक स्मॉल इंटस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन और एनोरेक्टल एरिया और साथ में जो फूड को डाइजेस्ट करने में जो हमारी ग्लाइंट्स होती हैं जो सहायक होती हैं तो वो होती है हमारी लिवर एंड पेनक्रियास तो लिवर और पेनक्रियास कैंसर्स भी हम गैस्ट्रो इंटरसाइन कैंसर्स के उसमें ही ग्रुप में ही डालते हैं और दूसरा होता है बिलरी सिस्टम जिससे जो बाइल हमारा है लिवर से होकर इन्हीं बिलरी सिस्टम से होता हुआ इंटरस्टैंड में जाता है जिसको हम बिलरी सिस्टम कहते हैं और उसके कैंसर्स को बिलरी ट्रैक्ट कैंसर्स बोलते हैं ओके सो so, एक छोटे से शब्द के अंदर कितना कुछ है और उस चीज़ में जब प्रॉब्लम आ जाए और प्रॉब्लम भी कैंसर जैसी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता हाँ है।, है।, है तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ये कैंसर कैसे यहाँ पर यू you नो know, फैलता है एक पार्ट में हो जाए उसके थ्रू ये जगह जगह यू नो इंक्रीज हो जाता है या स्प्रेड हो जाता हाँ है।, है।, है या फिर किसी स्टेज का जब किसी प्रॉपर स्टेज में आता है तो हम इसे समझ पाते हैं किस तरीके से ये डायग्नोज होता है ये देखिए कैंसर को समझने से पहले हमें ये पता चल करना चाहिए कि कैंसर एक 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 से एक्चुअली बनता कैसे है हुँ. हमारी जो बॉडी है वो कई सारी सेल से बन होती है बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनकर बनी होती हैं ये हमारी यूनिट्स ऑफ बॉडी होती है और सारी सेल्स से हमारी बॉडी की ये एक पर, पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत डिवाइड होती हैं इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं और ये सारे फंक्शंस और सेल का डिवीज़न मतलब एक का दो दो का चार चार कार्ड जो बनता है वो एक सब प्रोग्राम से तरीके से होता है और ये सारा का सारा प्रोग्राम जो हमारा जेनेटिक मटीरियल बनाता है जेनेटिक मटीरियल डिसाइड करता है कि ये सेल किस तरीके से फंक्शन करेगी और कैसे डिवाइड करेगी पर जैसे जैसे हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं वैसे वैसे बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल के ऑल्ट्रेशन उसमें होते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशंस वो होते रहते हैं तो जब हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं तो ये सारी सेल्स हमारी मैल फंक्शनिंग करती हैं और इनका जो डिवीज़न होता है जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो बड़े अनकंट्रोल तरीके से होता है हालांकि हमारे शरीर में और सेल्स में ऐसे चेक सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी सेल अगर हमारे डिफेक्टिव है या उसमें ऑल्ट्रेशंस आ रहे हैं जेनेटिक तो वो सेल एक प्रोग्राम तरीके से अपने आप सुसाइड कर लेती है जिसको बॉक्ट्रोसिस बोलते हैं लेकिन जब कभी कभार ये जेनेटिक आल्ट्रेशन ऐसे होते हैं और जो हमारे चेक सिस्टम वो ख़राब हो जाते हैं तो ये हमारा जो सेल्स होती है अनरेगुलेटेड तरीके से डिवाइड करती चली जाती है और बहुत तेज़ी से एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिससे इसके अपने जो फंक्शंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अब नॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाते हैं और इन जो सेल्स की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है इनका आपस में एडिजन्स कम होते हैं मतलब ये आपस में एज ए ग्रुप काम कम करती हैं और ये वहाँ से टूट टूट कर ये फैलती हैं तो कैंसर की जो सेल्स जब ये फैलती हैं इसके तीन तरीके होते हैं मेनली एक होता है डायरेक्ट लोकली फैलती हैं लोकल इन्फिल्ट्रेशन होता है कि सेल्स जिस एरिया में लोकेटेड हैं वहाँ से निकल के वो डीपर एरियाज़ में फैलना शुरू होती हैं दूसरा होता है कि ये ब्लड के थ्रू जाती हैं तीसरा होता है ये लिम्फैटिक्स के थ्रू जाती हैं लिम्फैटिक्स के थ्रू जाती हैं लिम्फ नोड्स में और ब्लड के थ्रू डिस्टेंट ऑर्गन्स में जाती हैं जैसे कहीं पर भी कैंसर हो परंतु ब्लड के थ्रू ये जैसे लिवर में लंग्स में बोन्स में इस तरीके से फैल सकती हैं और जैसे जैसे ट्यूमर फैलता है या लोकली ग्रो करता है उसी हिसाब से उसकी स्टेज बनती है जो हमारे को लोकली अगर रहता है ट्यूमर जो आसपास के एरिया तक फैला होता है तो उसको फिर भी हम लोकलाइज ट्यूमर बोलते हैं परंतु अगर ये सेल्स हमारी टूट कर लिम्फ नोड्स में चली जाती हैं या ब्लड के थ्रू दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं तो अगर हमारा ट्यूमर सिर्फ लोकली एरिया में है और उसको लिम्फ नोड्स से गया होता है तो उसको लोको रीजनल ट्यूमर बोलते हैं जैसे कि लोकली में हम स्टेज वन टू थ्री लोको रिजल्ट ट्यूमर में स्टेज वन टू थ्री तक आते हैं पर अगर ये सेल्स ब्लड के थ्रू दूर के ऑर्गन तो में चली जाती हैं तो वो स्टेज फोर कहलाता है तो जो हमारा ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो स्टेज वन टू थ्री तक हो सकता है स्टेज फोर में यूजली हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है स्टेज फोर में शायद इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि चांसेस नहीं होता या इसके पीछे कोई और रीज़न होता है उसके पीछे रीजन ये होता है कि ज़्यादातर स्टेज फोर का मतलब ये होता है कि हमारी जो कैंसर सेल्स हैं वो ब्लड के थ्रू एंटायर बॉडी में कहीं ना कहीं जा चुकी हैं क्योंकि ये कैंसर सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि इनको देख पाना संभव नहीं होता है और किसी भी टेस्ट में ये जो मेटास्टेसिस होते हैं वो तब तक नहीं आते हैं जब तक कि वो मेटास्टेसिस जो लीजेंस uh, हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर साइज़ ना अटेन कर पाएँ जैसे कि जैसे हम पेट करते हैं सी स्कैन करते हैं एम करते हैं तो जब तक कि हमारा ट्यूमर जो भी होता है मोर देन फाइव मिलीमीटर नहीं होता तब तक इनका इन टेस्टों द्वारा देखना संभव नहीं होता है तो जब एक बार हमारे को कहीं पे मेटास्टेसिस दिखता है तो दैट मीन्स कि ये कैंसर की सेल्स और एरियाज में भी होगी तो अगर हम सिर्फ उस प्राइमरी एरिया को निकाल दें और बाकी सारे शरीर की जो सेल्स को छोड़ देते हैं तो उसमें कोई एडवांटेज नहीं है सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है पेशेंट का आप निकाल भी देंगे तो पेशेंट की ओवरऑल लाइफ लॉन्ग नहीं होगी नहीं, तो इसलिए जब मेटास्टेसिस होता है तो यूजली सर्जरी नहीं कामयाब होती लोकल टिश्यूज़ की आपने यहाँ पर बात की है कि जब लोकल टिश्यूज होता है तो आ, ट्रीटमेंट अलग तरीके से ट्यूमर्स जब होता है तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है द थिंग इज जो लोकल ट्यूमर्स होते हैं जो आसपास के एरियाज में ही स्प्रेड करते हैं पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं करते हैं कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर ड्यू टू सर्जरी हम उसे निकाल दें या हटा दें तो वो दोबारा यू नो उगेंगे नहीं पैदा नहीं होंगे या पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होंगे क्या कुछ प्रोसेस होता है देखिए ऐसा है कि इसको हम समझने के लिए समझेंगे जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती है स्टेज वन टू थ्री तो काफ़ी ज़्यादा जैसे स्टेज वन होती है तो इस बात की लाइकलीहुड काफ़ी कम होती है कि हमारी सेल्स टूट के कहीं और गई होंगी okay. तो उसको सर्जरी से निकालना काफ़ी हद तक क्योरिटिव होता है okay. पर जैसे जैसे हमारी स्टेज बढ़ती है जैसे स्टेज टू आई स्टेज थ्री आई तो लाइकलीहुड ऑफ हैविंग सेल्स एट डिफरेंट प्लेसेस दूर दूर तक जाने की लाइकलीहुड बढ़ जाती है इवन इफ वो सेल्स नहीं दिख रही हैं तो भी देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो सेल्स वहाँ पर हैं okay. तो ऐसे केस के अंदर हम उन कैंसर सेल्स को मारने के लिए ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर केसेस में हम एडजुवेंट थेरेपी यूज़ करते हैं जिसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं जो कैंसर okay. को मारने की ड्रग्स okay. होती हैं mm -hmm. तो कई बार हमारे जैसे पेशेंट पूछते हैं कि आपने कैंसर पूरा निकाल दिया उसके बावजूद भी कीमोथेरेपी क्यों दे रहे हैं mm -hmm. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी समझदार क्वेश्चन है ये लेकिन उसको समझाने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे बताया मैंने कि लाइकली बढ़ जाता है वो कैंसर सेल्स वहाँ पर हैं पर हमें पता नहीं है कि वहाँ पर हैं तो इसीलिए जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है स्टेज वन में हम कोई एर्जुन थेरेपी नहीं देते हैं पर स्टेज टू में या स्टेज थ्री के अंदर ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर केसेस में हम कीमोथेरेपी देते हैं सो so दैट जो सर्कुलेटिंग सेल्स हैं बाकी सब जगह बॉडी के अंदर उसको भी केल किया जाता तो है लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है कीमोथेरेपी की अवधि होती है कुछ पर्टिकुलर कैंसर्स के हिसाब से हमारे अलग अलग साइकिल्स होते हैं किसी के ट्यूमर के अंदर हम साइकिल यूज करते हैं किसी में बारह साइकिल यूज करते हैं नहीं जैसा आपने अभी कहा कि हमने उस लोकल जो एरिया में हमारा कैंसर था उसे हमने निकाल, निकाल दिया।, दिया है ऑपरेशन के थ्रू

मिनिमम यूजली छः साइकिल्स यूज करते ही करते हैं okay. जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर पेशेंट्स को हम फॉलोअप में रखते हैं <laughs> नियरली पाँच <पांस> साल तक <laughs> तो शुरू शुरू में हम ज़्यादातर कैंसर्स में तीन तीन महीने बाद फॉलोअप करते हैं <laughs> फिर बाद में हम छः छः महीने बाद फॉलोअप करते हैं <laughs> और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कर कर हम ये देखते हैं कि कहीं पे कोई लोकल रिकरेंस या कहीं पे कोई सिस्टमिक रिकरेंस तो नहीं हो रहा है तो ये कर जब हम फॉलोअप करते रहते हैं और अगर कोई रेकरेंस होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीट करते हैं अगर रेकरेंस पाँच साल तक कोई नहीं है

डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या कैंसर टू कैंसर या क्या कुछ प्रोसेस होता है जो आप डिसाइड करते हैं इसके लिए देखिए ऐसा है कि सर्जरी करने के कई तरीके होते हैं एक हमारा कन्वेंशनल तरीका होता था इसको हम ओपन मेथड बोलते हैं okay. उसमें पेट पर हम एक बड़ा सा चीरा लगाते हैं और उसके द्वारा हम जो पेट को एक्सेस करते हैं जो अंदर के ऑर्गन्स का जो एक्सेस होता है उसके थ्रू होता है mm -hmm. और ये जो सर्जरी हम करते हैं हाथों से और हमारे जो हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं mm -hmm. तो इसके अंदर ओपन सर्जरी में हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को और उस टारगेट ऑर्गन को हम डायरेक्टली देख रहे होते हैं तो हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हम देख रहे होते हैं तो ये नॉर्मल एक तरीका होता है परंतु जो ओपन मेथड होता है हालांकि काफ़ी अच्छा मेथड है और कई सेंचुरी से चला आ रहा है और इस ओपन मेथड में एक्चुअली जो पेशेंट की जो टिश्यूज़ की जो हैंडलिंग होती है वो ग्रॉस हैंडलिंग होती है तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा रिएक्शन पेशेंट को जो इंजरी रिएक्शन होती है वो ज़्यादा होती है और पेशेंट की ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगता है उसी तरीके से डिफरेंट एक मेथड है जिसको बोलते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी मिनिमल एक्सेस सर्जरी के अंदर पेट के अंदर पहुंचने का एक्सेस डिफरेंट होता है उसमें लंबा सा चीरा नहीं लगाते हैं बल्कि बहुत मिनी होल्स क्रिएट करते हैं पाँच या दस मिलीमीटर साइज़ के मिनी होल्स क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू एक बड़े डेडिकेटेड टाइप ऑफ बड़ी एक ट्यूब्स डालते हैं जिसके थ्रू हमारे बड़े सिलेंडर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बड़े ही पतले इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं और उन्हीं ट्यूब्स के थ्रू ही हमारा कैमरा जाता है और ये कैमरे की जो इमेज होती है जो जो पेट के अंदर की जो इमेज है वो हमारे सामने स्क्रीन लगी होती है उस पर डिस्प्ले होती है तो इस एक्सेस सर्जरी के अंदर हम देख सामने रहे होते हैं टी स्क्रीन पर और हमारे हैंड्स नीचे काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली इसमें हम हमारी जो आइज़ हैं वो डायरेक्टली हाथों को नहीं देख रही हैं वो सिर्फ स्क्रीन पे देखती हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है बिटवीन हैंड्स एंड आई तो इसमें हैंड आई कॉर्डिनेशन इसके अंदर बोलते हैं इसको टेक्निक को डेवलप करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बड़ा लंबा एक्सपोजर चाहिए बड़ा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए तब जाकर हम इन सर्जरीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं और क्योंकि ये मिनिमल एक्सेस सर्जरी है इसमें जो ग्रॉस ट्रामा टू द एबडोमल ऑर्गन्स वो कम होता है और इसमें जैसे कम चोट पहुँचेगी ऑर्गन्स को कम ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट की डेफिनेटली ऑपरेशन के बाद जल्दी रिकवरी होगी जल्दी चलना फिरना शुरू करेगा जल्दी खाना पीना शुरू करेगा और अपने काम पर जल्दी जा पाएगा ये इसके एडवांटेजेस होते हैं पर वैसे अगर हम देखा जाए तो जो कैंसर रिलेटेड रिजल्ट हैं जैसे कि कोई कैंसर को हमने ऑपरेट किया तो उससे जो रिलेटेड रिजल्ट हैं जैसे कि हमारा सर्वाइवल रेट है रेकरेंस रेट है या जो हमने टिश्यू पूरा जो निकालना है वो सारा निकाला कि नहीं निकाला ये सारे पैरामीटर्स दोनों ही सर्जरी में इक्वल होते हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओपन सर्जरी इस मामले में बेटर है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेटर है दोनों के कैंसर रिजल्ट रिलेटेड रिजल्ट जो हैं बिल्कुल सेम है जो पेशेंट की रिकवरी है पेशेंट की बॉडी को जो ट्रामा है वो डेफिनेटली मिनिमल एक्सेस सर्जरी में कम होता है तो डेफिनेटली आपने एडवांटेज की बात की थी हर सर्जरी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है तो क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आपने बताया पंक्रियाज होती हैं हमारी यू नो किडनीज हैं बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं आई एम sure श्योर हमारे दर्शकों को भी इतना नहीं पता होगा एंड यू नो बेटर सो उस समय बाकी पार्ट्स के लिए क्या कुछ रिस्की फैक्टर होते हैं या उनके लिए उनके प्रिकॉशन के लिए आप क्या कुछ एडवाइस करते हैं देखिए ऐसा है कि जो हमारी गैस्ट्रो इंटेसेंस सर्जरी होती है लोगों में एक तो एक बहुत बड़ी भ्रांति होती है इस बात की कि जो हार्ट के या ब्रेन के ऑपरेशन ही बड़े होते हैं एक्चुअली में जो एबडामनल सर्जरी होती है जो एबडामन की कैंसर सर्जरीज होती है ये वन ऑफ द बिगेस्ट सर्जरीज होती हैं और टेक्निकली बहुत डिमांडिंग होती है इसमें जैसे हम कैंसर की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स को या तो पूरी तरीके से या हाफ तरीके से निकाला जाता है और साथ में काफ़ी सारे जोड़ लगते हैं इसके अंदर और जो ये जोड़ लगते हैं जो जॉइंट्स बोलते हैं मैनेसमोस को हम बोलते हैं ये बड़े प्रिकेरियस होते हैं इनमें काफ़ी इनकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर अनासमोस अदर एरियाज़ की सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस रहते हैं और ख़ास तौर से जब हम पेनक्रियाज पे सर्जरी करते हैं तो पेनक्राटिक जूस बड़े ख़तरनाक होते हैं ये मीट को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं mm -hmm. तो अगर इन एरियाज़ में अगर लीकेज होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेडेड होती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैंड चाहिए और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटोकोलाइज तरीके से ये सर्जरी होती हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्जरीज और लेकिन क्योंकि जब कोई भी आदमी इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्टाइज़ ले लेता है तो उसको ये भी पता होता है कि इसको कॉम्प्लीकेशन को कैसे हैंडल करना है तो हम लोगों को जो कितने लंबे टाइम से इस फील्ड में है तो वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर हैंड जब हम सर्जरी करते हैं तो हमारे को अंदाज़ा होता है कि किस किस केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के डर हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम पहले से ही वो सारे स्टेप्स ले, ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कॉम्प्लीकेशंस ना हो पर फिर भी हमारी कोशिशों के बावजूद कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं तो हमारे को उस पर लुकआउट पे रहना होता है कि जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम बड़े केयरफुल होते हैं और हम सटल साइंस को पिक करते हैं देखने के लिए अगर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको वेल इन टाइम रेक्टिफाई करा जाए राधा देन उसको वेट किया जाए फूड पाइप की आपने बात की और आपने जैसे डिस्क्राइब लगातार कर रहे हैं फूड पाइप में अगर कोई इश्यूज होता है एंड कैंसर के कोई पार्ट पाए जाते हैं इनिशियल टाइम पे तो क्या कुछ सिम्टम इंसान को पता होने चाहिए कि यू नो कई बार कहते हैं कि अगर हमें इनिशियली पता लग जाए चीज़ें तो हम जल्दी उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं तो डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी का सो so, कैंसर का तो बट ऑफ कोर्स है बहुत जल्दी हो जाए तो उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है तो क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे इंसान पता कर सके कि हाँ उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं देखिए एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गैस्ट्रो इंडोसाइन कैंसर्स की होती है कि इनके अपने कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स नहीं हो सकते तो हम okay. ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला सिम्टम जो है वो कैंसर का ही है और ये वाला सिम्टम किसी और बीमारी का है hmm. तो इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि बिनाइन डिजीज़ और कैंसर डिजीज़ दोनों में ओवरलैप करते हैं hmm. तो जो कॉमन सिम्टम्स फूड पाइप के कैंसर के आपने पूछे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे खाना निकलने में दिक्कत होती है okay. उल्टी आती है या जो हमारी फ्रंट चेस्ट बोन होती है जो छाती की जो आगे वाली बोन है उसके पीछे दर्द होता है कमर में दर्द होता है और हर वक्त एक इनडाइजेशन की फीलिंग बनी रहती है ये कॉमन सिम्टम्स हैं पर ये सिम्टम्स बाकी बीमारियों के भी होते हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये अगर हुआ है तो पक्का कैंसर की वजह से लेकिन कोई भी इस तरीके का सिम्टम्स होता है वो लंबे टाइम तक चल रहा है जैसे आपको कुछ सिम्टम हुए आप किसी जी के पास या किसी जनरल फिजिशियन के पास आप गए तो आपने उसको दिखाया उससे दवाई ली ठीक है बिल्कुल ठीक बात है लेकिन उसमें अगर वही सिम्टम्स आपके लंबे टाइम तक दवाई लेने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं दो हफ़्ते तक आपके नहीं गए तीन हफ़्ते तक नहीं गए फिर उसके बाद आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए क्योंकि अगर उनके एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि ये सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं तो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जैसे फूड पाइप के कैंसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट वो एंडोस्कोपी होता है एंडोस्कोपी में लोग डरते बहुत हैं उनको लगता है बहुत पेन होगा या बहुत डिस्कम्फर्ट होगा पर ऐसा नहीं है अब बड़े अच्छे एंडोस्कोप्स हैं बड़े पतले एंडोस्कोप्स हैं और इतने एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं कि वो एक मिनट में कई बार एंडोस्कोपी कर पाते हैं तो एंडोस्कोपी के द्वारा अगर फूड पाइप में कहीं पे भी आपको कोई लगता है कि कोई अल्सर या कोई गांठ ऐसी है जो कैंसर हो सकती है तो उसको विजुलाइज़ करते हैं कई बार तो विजन देख देखने से ही पता चल जाता है आइडिया लग जाता है कि कैंसर हो सकता है और उसके साथ हम उसकी बायोप्सी भी ले लेते हैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं साइड से और जिसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हम सबमिट करते हैं और पैथोलॉजिस्ट हमारे को एक या दो दिन में रिपोर्ट भी दे देता है कि भाई कैंसर है तो एक बार पता चल गया हमें कैंसर है तो उसके बाद फिर हमारे कई सारे बैटरी ऑफ टेस्ट आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कैंसर की स्टेज क्या है स्टेज भी कभी 100 परसेंट तरीके से नहीं पचल सकती लेकिन okay. 80 टू नाइन श्योरिटी के साथ तो ये जो आपने प्रोसेस बताया थोड़ा टाइम तो लगा है बट ऑफ ऑफकोर्स प्रोसेस में आ, कि हम जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं जनरल फिजिशियन उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाए थोड़ा टाइम तो लगता है तो उस समय हमारा जो कैंसर का स्टेज है वो कहाँ तक आ सकता है एक्चुअली क्या है कि कैंसर ये नहीं है कि फैलता नहीं है डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम बीतता है फैलता जरूर है लेकिन इसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती कि आपको दो या तीन हफ्ते में कोई फ़र्क पड़ जाएगा okay. इतना पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए कि आज मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ तो मेरे को आज ही सर्जरी करानी ऐसा नहीं है हुँ, हुँ. इन स्टेजेस को चेंज होने में टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते में फैलने वाला है तो बस ये है कि जो भी टेस्ट आपको बताया जाए उसको डिलीजेंटली पूरी सीरियसनेस लेकर उसको कराया जाए और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लिया जाए पर ऐसा नहीं है कि आपको विद इन टू डेज़ काम करना है तो आप उसको जो भी टेस्ट बताया जाए उसको ड्यूली फॉलो करें कराएं उन टेस्टों को और उसके बाद एक बार आपकी स्टेज बन जाती है फिर आपका फर्दर प्लान बनता है कि आपको सीधी सर्जरी करनी है या पहले उस ट्यूमर को डाउन स्टेज करना है डाउन स्टेज करा जाता है हमारा कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से okay. किसी किसी कैंसर में ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी करी जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यू एडजुएंट कीमोथेरेपी okay. किसी किसी सर्जरी में न्यू एडजुएंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों करी जाती है डिपेंड करता है कैंसर टाइप पे कैंसर टाइप पे जैसे कि हमारा स्टमक का कैंसर है उसमें ज़्यादातर केस के अंदर हम न्यू एर्जुन कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं कीमो रेडिएशन भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं कैंसर हो रेक्टम है या कैंसर हो ईसोफेगस है ऐसे वाले केसेस के अंदर हम ज़्यादातर केसेस में न्यू एर्जुन कीमो रेडिएशन करते हैं दोनों विधियाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा ट्यूमर डाउन स्टेज होता है उस डाउन स्टेज होने के हमारे दो एडवांटेजेज होते हैं एक तो ये होता है कि हमारा रिसेक्शन बहुत बेटर हो जाता है सर्जरी दूसरा क्या होता है कि इसमें जो लोकल रिकरेंस होती है दोबारा उसी एरिया में कैंसर के आने के और दूर फैलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं तो हमारे को सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है अगर हम सीधी सर्जरी करते हैं जितना सर्वाइवल के चांसेस हैं पहले करके सर्जरी करते हैं उसमें ज्यादा बेटर होता है ओके okay, मतलब डिपेंड uh, करता है कैंसर टाइप क्या है आप और उसमें कौन सी विधि लगानी है हा, हा, हा। तो उससे बेसिक पर्पज न्यू एडजुन का एक तो हमारे को जैसे बताया मैंने आपको लोकल कम हो जाती है रिकारा फाइवर सर्वाइवल बढ़ता है और तीसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है इस बात पे बहुत मैटर करता है कि आपको ट्यूमर की एग्रेसिवनेस कैसी है अगर आपका जो ट्यूमर श्रिंक होता है डाउन स्टेज होता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी मिलने से दैट मीन्स उस ट्यूमर का बायोलॉजिकल बिहेवियर अच्छा है ओके तो उसके चांसेस हैं कि वो ट्यूमर हमारा तीनों विधियां अप्लाई करने के बाद उसके क्योर होने के चांसेस काफी ज्यादा है यानी बस हम डरे ना डरे ना रखें हाँ बिल्कुल पेशेंस रखें जो आपको बताया जाए वो करें हाँ। उसको फॉलो करें। डेफिनेटली इलाज संभव है डेफिनेटली एक चीज़ और आजकल बहुत कॉमन हो गई है किडनी स्टोन की अगर हम बात करें बहुत कॉमन हो गई है इंसान जो है किडनी स्टोन के से डरते हैं यू नो लेते हैं जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया वो डे टू डे लाइफ में लेते हैं बट स्टिल डर होता है मीन बाय उनके साथ साथ आ, कैंसर भी हो जाए

उसके ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ता है दोनों में क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट तो अलग अलग चल रहे हैं ना गोल स्टोन के अंदर क्या होता है कि जब जब एक बार कैंसर हुआ हाँ, हाँ, तो उसके अंदर जो गोल बटर भी एक पार्ट है निकलने का ओके गोल बडर कैंसर में हम गोल बेडर निकालते हैं और उसके जो लिम्फ नोड ड्रेनेज एरिया है जहाँ जहाँ उसके लिम्फ नोड जाते हैं हाँ, वो और थोड़ा सा पार्ट ऑफ लिवर हम निकालते हैं लिवर बेड निकालते हैं निकालते है तो चाहे स्टोन हो चाहे स्टोन का कैंसर हो दोनों केस के अंदर आपको गोल तो बाहर आ ही रहा है okay. जब आपके स्टोन के साथ कैंसर बन गया है तो कोई अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है उन दोनों का ओके okay. वो बेटर कैंसर की तरह ट्रीट करते हैं नहीं, और गोल बेटर अपने आप आ, आएगा ही आएगा तो उसमें स्टोन अपने आप बाहर आ जाते हैं और एक बार जब कैंसर बन जाता है तो स्टोन की इम्पोर्टेंस वैसे ही खत्म हो जाती है क्योंकि फिर तो स्टोन तो बहुत छोटी प्रॉब्लम रह जाती है असली प्रॉब्लम तो कैंसर है मतलब दोनों का इलाज हम संभव डर नहीं सकते डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं है इनफैक्ट डर के कोई फायदा नहीं होता है एक बड़ा इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था कि डर के आगे जीत है तो ये बड़ा सार्थक है इस वाले रिलेशन में कि आप बिना डरे कोई काम करते हैं तो ही किसी चीज से आप जीत पा सकते हैं। अगर आप डर के रहते हैं पैनिक सिचुएशन में रहते हैं तो रादर आपका नुकसान ही होता है ओके सो क्वेश्चंस बहुत थे मेरे पास बट अभी टाइम नहीं है सो so, एक लास्ट में क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि आजकल हमारे खान पीन का असर हमारी लाइफ और लाइफ का असर हमारी बॉडी पर बहुत पड़ रहा है हमारी लाइफ पर बहुत पड़ रहा है तो कैंसर से दूर छोटी मोटी बीमारियों से दूर और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें क्या कुछ अपनी लाइफ में और लाइफ स्टाइल में ऑप्ट करना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने एक्चुअली कैंसर से प्रिवेंट करने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना क्योंकि आपका जैसे जैसे हमारा इस तरीके से जो लाइफ चल रही है हमारी बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ है हमारा हमारे पास टी अवेलेबल है टेलीफोन अवेलेबल है हर चीज़ के लिए जो मूवमेंट जो हम करते हैं उसके अंदर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है गाड़ियाँ हैं सारे दिन हम काम करके आते हैं रात को आगे हम हैवी फूड लेते हैं टीवी देखते रहते हैं तो इस सीडेंट्री लाइफ की वजह से क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वेट बढ़ता है वेट बढ़ने से हमारे कई सारे पेट के कैंसर हैं जो कि हो सकते हैं हाई बीएमआई है, से काफी सारे कैंसर नॉन हैं जो कि बढ़ते हैं जैसे पर्टिकुलरलीक्ट कैंसर है आपका गोल बडर कैंसर है यूट्राइन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है ये सारे के सारे वेट बढ़ने से होते हैं फिर तीसरा है कि आपका जो हम जिस तरीके खाना खाते हैं आजकल की डाइट के अंदर जो हाई मीट कंटेंट है पर्टिकुलरली रेड मीट कंटेंट है ये काफी बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है फॉर कैंसर और लो फाइबर डाइट जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं या जो हमारे जो रेडीली अवेलेबल फूड्स होते हैं या कैंट जूसेज होते हैं या कैंट फूड होता है इसके अंदर फाइबर का कंटेंट हमारा बहुत कम होता है जैसे कि हमारे सैलड्स जिसमें कम होते हैं फ्रूट्स कम होते हैं होल ग्रेन चीज़ें कम होती हैं तो फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है और इस फाइबर कंटेंट कम होने से आपके कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ठीक है तीसरा होता है चौथा है हमारा जो है स्ट्रेस आजकल कल की लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है इम्यूनिटी कम होती है तो हम कैंसर सेल्स को नहीं मार पाते हैं okay. तो कोई छोटा मोटा कैंसर डेवलप हो भी रहा है mm -hmm. तो इम्यूनिटी पोवर होने की वजह से वो कैंसर सेल्स डाई नहीं होती हैं तो कैंसर हमारा बन सकता है फिर हमारे आते हैं केमिकल्स mm -hmm. जैसे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हर चीज़ में पेस्टिसाइड है हर चीज़ में दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से हमारे जेनेटिक म्यूटेशन सेल्स में काफ़ी कॉमन है जिसकी वजह से कैंसर बन सकता है फिर आता है हमारा स्मोकिंग एंड अल्कोहल स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कई सारे कैंसर्स का जैसे फूड पाइप कैंसर लगाएं हम पेनक्राटिक कैंसर्स लगाएँ स्टमक कैंसर्स लगाएं इसमें काफ़ी हाई रिंसेंस होता है कि जो स्मोकर्स एंड जो अल्कोहलिक्स है उनके अंदर कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है अल्कोहलिक की अल्कोहलिज्म की वजह से आपका लिवर सिरोसिस होता है लिवर सिरोसिस की वजह से लिवर कैंसर ज्यादा बनते हैं तो इस तरीके से खाने पीने से और एडिक्शंस की वजह से काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम खुद इनवाइट कर रहे हैं बीमारियों को yes, अपनी बॉडी exactly में सो इट्स अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी कॉन्वर्सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए था एंड हेल्थ का शो है हेल्दी उनके लिए जरूरी था थैंक यू सो मच फॉर बींग